वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम आपकी मुलाकात अब जिन शख्सियत से करवाने वाले हैं वो पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग के तालिबा हैं अक्सा अजमल, जिन्होंने नाबीना अफराद के लिए सिलाई मशीन बनाई और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अक्सा अजमल ने पर्सपेक्ट नामी जदीद सिलाई मशीन बनाकर आलमी सतह पर लेक्सस डिजाइन अवार्ड 2020 भी हासिल किया है। इस साल यौम पाकिस्तान के मौके पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। इस वक्त अक्सा हमारे साथ मौजूद है, अक्सा से ही बात करते हैं। बिल्कुल अक्सा, बहुत शुक्रिया एक तो आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत ज्यादा अभी आपको मिलान के अंदर इटली में आप इसको अनवील करने जा रही हैं दोबारा दुनिया के सामने। वी वर जस्ट रीडिंग, इज इट डन सो फार? और बाकी क्या इसको लेकर आपके फ्यूचर प्लान है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त आइडिया है जो आप लेकर आई हैं सामने। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हां जी, अभी इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम हो रहा है कि आई एम वर्किंग ऑन द प्रोटोटाइप इटसेल्फ के वो बेहतर से बेहतर होता जाए और वर्किंग प्रोटोटाइप बन जाए कि ब्लाइंड लोग उसे इस्तेमाल कर सकें और वो यूजर टेस्टिंग के थ्रू मुझे पता चल जाएगा क्या इसमें थोड़ी सी कमियां हैं या कोई गलती है तो वो और बेहतरी से इम्प्रूव हो जाए। तो आई एम वर्किंग ऑन द प्रोटोटाइप फॉर नाउ। ठीक हो गया। अक्सर आपको आइडिया बेसिकली कैसे आया? ऑब्वियसली आपके आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आप इर्द गिर्द लोगों को इस तरह से देते, नो डाउट कि आप डिजाइनिंग स्टूडेंट हैं, बट स्टिल इस तरह के आइडिया का आना और उसको एग्जीक्यूट करना, आप इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा सर, तो बेसिकली ये एक स्टोरी है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बताऊं कि आई हैड दिस नेबर जो कि शी वाज अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी, बट शी लॉस्ट हर साइट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। सो जब मैंने देखा कि मतलब उसकी आई साइट चली गई, वी वर इन द सेम स्कूल लेकिन शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल और वो पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन हम यूनिवर्सिटीज में चले गए, हम सब आगे बहुत आगे जिंदगी में बढ़ गए, बट शी कुड नो लॉन्गर परसू एजुकेशन और आई कुड सी हर स्ट्रगलिंग ऑल माई लाइफ। मतलब उसके पास वो ना एजुकेशन हासिल कर सकी, तो अब वो मतलब उस तरह से कुछ कमा नहीं सकती, कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकती। तो वहां से मुझे था कि इफ आई एम एन इंडस्ट्रियल डिजाइनर, मुझे मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट मेक समथिंग फॉर हर जिससे वो इस्तेमाल कर सके इकोनॉमिक बहुत बेहतर। बिल्कुल सही। तो ये काम कैसे करती है, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये मशीन काम कैसे करती है, कुछ इसमें सेंसर्स हैं, डिजाइनिंग के लिए उनको हेल्प आउट कैसे करती है, बिकॉज हमें समझ नहीं आता ये कि अगर आप देख नहीं सकते तो कैसे इसको यूज करेंगे। जी बेसिकली अब जो मशीन है एक नॉर्मल सोइंग मशीन है, इफ यू आर फैमिलियर विद दैट, तो आप एकदम से सीना नहीं करते उसे, आपको उसके अंदर उसके पार्ट से फेमिलियर होना पड़ता है, देन यू पुट थ्रेड इन द नीडल, आपको धागा का प्रोसेस करना पड़ता है एंड देन यू स्टार्ट सोइंग। तो अब उसमें मशीन जो है बहुत स्ट्रीमलाइंड है, क्योंकि ब्लाइंड लोग जो है वो देख नहीं सकते, तो वो फील करके टच के थ्रू और साउंड के थ्रू अपने सारे टास्क करते हैं। तो मशीन गिव्स यू हैप्टिक फीडबैक, वो आपको फीडबैक देती है, उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं ऐसे कि वो आपको हर स्टेप पे बताते हैं कि अब क्या करना है टच के थ्रू। इसके अलावा मशीन की आपको बताती है कि किस कलर का थ्रेड आप इस्तेमाल करें, किस कलर का क्लॉथ है आपका। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ब्लाइंड पीपल, उनसे मैंने फीडबैक लिया कि वो एक नॉर्मल सोइंग मशीन जो है वो क्यों नहीं वो इस्तेमाल कर सकते, जबकि वो अपनी जिंदगी में जैसे हम लोग हर चीज कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाई आर दे नॉट एबल टू यूज अ सोइंग मशीन। तो उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि एक सेफ्टी का एक डर होता है कि मतलब एक तो मशीन का नॉइज बहुत ज्यादा होता है और उनको एक डर होता है कि हमारा हाथ नीडल के अंदर ना आ जाए और एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस मशीन के अंदर सेफ्टी को ऐसे केटर किया गया है कि देयर इज नो पॉइंट आपका हाथ नीडल के अंदर आ सके, क्योंकि जब भी एक सेंसर ऐसा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर कि जब भी आपका हाथ नीडल के करीब आता है मशीन चलना बंद हो जाती है, अलार्म ऑन हो जाता है। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता कि आपका हाथ नीडल के अंदर आ सके या एक्सीडेंट हो सके। तो ये सेफ्टी को बहुत ज्यादा रखता है कि ब्लाइंड लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। That's interesting. अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब बेसिकली इस आइडिया पे अभी आपको रिसेंटली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, कैसा लगा? प्राइड ऑफ पाकिस्तान, सॉरी। हाँ जी, मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट किया गया। ऑनेस्टली ये फीलिंग और ये मुझे कैसा लगना वहां जाके पता चला, मैंने आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो कि उस इंक्लोजर में थे, बहुत सारे हर उम्र के लोग, डिसेबिलिटी के लोग थे उसमें, जो कि पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक जो मुझे फीलिंग और अच्छा लगा वो वहां जाके उन लोगों में बैठ के लगा कि मैं भी इन लोगों का हिस्सा हूँ अब,
तो आई थिंक दैट वाज अ रियली नाइस फीलिंग फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली एंड ऑफ कोर्स। अच्छा, ये तो एक आइडिया है जो आपने स्विंग मशीन के हवाले से किया, जो लोग ये करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो मुकम्मल तौर पे हमारी सोसाइटी का हिस्सा और हमारे लिए बहुत खास हैं और हमसे शायद बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं व्हेन इट कम्स टू द टैलेंट एंड स्किल। तो बहुत सारे और आइडियाज पे भी ऑब्वियसली काम हो सकता है। क्या आपने सोचा है, सिंस यू आर एन इंडस्ट्रियल डिजाइनर और उसके ऊपर आप काम कर रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसे और डिफरेंट आइडियाज पे काम हो सकता है, कुछ पाइपलाइन में है चीजें आपके? हाँ जी, अगर हम स्पेसिफिकली फॉर ब्लाइंड पीपल बात करें तो मैंने जब से अपनी रिसर्च स्टार्ट की है देयर इज अ लॉट दैट इज डन फॉर देम। ऐसे ऐसे गैजेट्स, ऐसे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे ऐसे डिवाइसेस हैं, ग्लासेस हैं जो कि आप पहने वो आपको असिस्ट करती है। लेकिन द थिंग इज कि अगर हम पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए देखें तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बन रही हैं, तो वो के आना, उनको इंस्टॉल करना, एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दोस। तो आई थिंक व्हाट आई वुड वांट टू डू इज कि हम बेसिक से बेसिक लेवल पे पहले काम स्टार्ट करें कि हम सबसे पहले तो किसी के भी कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी के भी कोई पावर में हैं, तो हम उनको एक कोटा रखें, हम उनको अपॉर्चुनिटीज दें, जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको हम एम्पावर करें। अगर एज अ डिजाइनर मेरी क्या कोशिश हो सकती है कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं एट एनी टाइम कि वो उससे उनके लिए कल उनका बेहतर हो सके, क्योंकि बाकी सारे टास्क तो बन गया। ठीक है, एक तो आपका एज एन एंटरप्रेन्योर ये आइडिया हो सकता है, उस पर आप काम कर सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन अगर ऐसी चीजों को गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए या कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकअप मिल जाए आई मस्ट से, तो दे कैन वर्क इन अ वे बेटर मोड, यू नो, इन अ वे बेटर वे, और ज्यादा इसका फायदा हो सकता है। तो इसके लिए कोई आपने, आपके पास कोई प्रपोजल, कोई तजवीज है, और क्या आपने किसी के सामने रखी है कि कल इसको हम कौमी सतह के ऊपर लेकर आए इस किस्म की चीजों की प्रोडक्शन को? हाँ जी बिल्कुल, उसमें ये चीज है कि देखिए अगर आपको ये बात पता हो कि सियालकोट कोई भी छोटे से छोटा शहर और बड़े से बड़ा शहर, उधर स्विंग सेंटर्स इंस्टॉल्ड हैं बाय द गवर्नमेंट। अब वहां पे क्या होता है कि एक स्विंग सेंटर होता है वहां पे, जैसे 100 सिलाई मशीन होगी फॉर नॉर्मल पीपल, बिजली गवर्नमेंट की होती है, लोग आते हैं इस्तेमाल करते हैं और जो वो बनाते हैं उसको बेच के कमाते हैं जिस तरह भी, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी स्विंग मशीन। तो मेरा प्रपोजल और आइडिया ये है कि अगर वी हैव 100 स्विंग मशीन फॉर नॉर्मल पीपल, क्या हम वो 10 स्विंग मशीन जो मैंने डिजाइन किए वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि अगर कोई ब्लाइंड लोग हैं या इवन वो लोग जिसको इस्तेमाल करनी नहीं आती, क्योंकि मशीन इतनी आसान हो गई है कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो वो आए इस्तेमाल करें, कमाएं और अपने लिए इसको फायदा हासिल कर सके। जबरदस्त। अक्सा, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप देना चाहें जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो इस तरह की किसी भी तरह शक्ल में एफर्ट करना चाहते हैं, और चाहे वो ब्लाइंड लोग हैं या किसी भी तरह से उनको कोई मसला है, तो उनको कोई मैसेज देंगी हमारे प्लेटफॉर्म से? तो To anyone who is watching me right now, मैं उन्हें यही कहूँगी कि अगर कोई ऐसा आइडिया है या कोई भी ऐसा काम है जो वो करना चाहते हैं, वो बजाय इसके कि उसको प्लान आउट करते रहें और सोचते रहें, वो आज से शुरू करें, क्योंकि अगर हम आज से शुरू करेंगे तो ही हम कल अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। एंड नेवर लूज होप, हर किसी को, मुझे भी इवन नाउ ऐसे पॉइंट्स पे लगता है कि मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी, होगा नहीं होगा, लेकिन उन डाउट से बाहर निकल आए, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू योर इंटेंशंस, और फिर देखेंगे हम कि बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं, और ऐसा सब कुछ हो जाता है कि आपने सोचा भी नहीं होता, तो बस मेहनत करते रहे एंड यू विल बी एबल टू अचीव। आप ट्रस्ट करें ऑलवेज, जैसा कल भी हमने कहा था, ऑलवेज ट्रस्ट योर आइडिया rather than seeing the challenges kya hai. It's a pleasure having you, Aksa. Thank you very much for being with us. Thank you very much for being pride of Pakistan. You're so young, aur aap jaise bhi kai log aise hain jo aapko dekh kar is inspiration hasil karenge, and we believe ki jab aap international arena ke upar ja rahi hain to wahan pe bhi bahut acha response aapko mile. Hum inshallah dobara se bhi koshish karenge ki is pe baat hoti rahe. Thank you very much once again for being with us. Aksa Ajmal had maujood thi pride of Pakistan. Isi note pe hum ek break leni hai. Break ke baad hazir honge, aap dekhte rahiye Expresso.